नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बुधवार को प्रशिक्षण के लिए पहला LCA तेजस भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। प्रशिक्षण विमान 2-सीटर है, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम यह विमान बेहद हल्का है। सबसे बड़ी बात है, इस विमान को जरूरत पड़ने पर महज चंद घंटों में ही लड़ाकू विमान में तब्दील किया जा सकता है। यह सुखोई, राफेल, मिराज और मिग्स से भी हल्का है। इस विमान का वजन महज 6500 किलोग्राम है। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव का एक अनहोनी घटना से साबका हो गया। प्रशिक्षण शिविर से पहले अखिलेश यादव से PWD के डाक बंगले पर मिलने पहुंचे पूर्व विधायक सियाद अली को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। इससे समाजवादियों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि अखिलेश यादव अब सियाद अली के परिजनों से मिलने उनके घर और अस्पताल जा सकते हैं। रूस और भारत की दोस्ती कोई आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। यह समय के साथ लगातार मजबूत होती गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे हैं। रूस स्थित मीडिया RT की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बताया है और कहा है कि उनके नेतृत्व में भारत विकास में काफी प्रगति कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रवीर पुराकेस्त को इस बात के सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया है कि उनके पोर्टल ने यह दिखाने के लिए एक एजेंडा चलाया कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उनकी गिरफ्तारी के लिए रिमांड आवेदन में दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके पास प्रवीर पुराकेस्त और अमेरिकी टेक मुगल नेवील रॉय सिंघम के बीच ईमेल पर हुई बातचीत के सबूत है। इसमें दोनों के बीच चर्चा की गई है कि भारत का नक्शा कैसे बनाया जाए जिसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया जाए। भारतीय क्रिकेट टीम से ड्रॉप किए गए अनुभवी लेफ्ट हैंड सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने माना कि पत्नी ने शिखर धवन को अपने इकलौते बेटे से वर्षों तक अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा दी। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने तलाक याचिका में धवन द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते मंगलवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय को अपने कामकाज में पारदर्शी होना चाहिए और आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा कि हम मानते हैं कि अब से यह आवश्यक होगा कि गिरफ्तारी के लिखित आधार की एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के प्रदान की जाए। स्वतंत्र न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक जिसके संपादकों, पत्रकारों, अंशकालिक कर्मचारियों और कंट्रीब्यूटर के यहां मंगलवार को छापे मारे गए, उपकरण जब्त किए गए, पूछताछ हुई और दो कर्मियों को गिरफ्तार किया गया ने एक बयान जारी कर कहा है कि उनके पास अब भी उस मामले को लेकर जानकारी नहीं है जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक को अभी तक उसके खिलाफ FIR की कॉपी नहीं दी गई है और न ही अपराधों का सटीक विवरण दिया गया है जिससे आरोप उन पर लगाए गए हैं। चुनाव सुधार की दिशा में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के अनुसार देश के कुल 107 सांसदों और विधायकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोप में मामले दर्ज है और पिछले 5 वर्षों में ऐसे मामलों का सामना कर रहे 480 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने उक्त अवधि में देश में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों में असफल उम्मीदवारों के अलावा सभी मौजूदा सांसदों और विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। गुजरात की एक तिहाई आबादी जिसमें 31 लाख से अधिक परिवार शामिल है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सरकारी घरेलू आय और खपत के स्तर के आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए कई सामाजिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखती है और एक सीमा निर्धारित करती है जो परिवारों की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। सरकार इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करती है कि किसी परिवार को राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है या नहीं। केंद्र की भाजपा सरकार 2024 के चुनाव से पहले चुपचाप एक बार लाभार्थी वर्ग तैयार करने में जुटी है। एक तरफ मोदी सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के तहत LPG सिलेंडर लेने वाले लोगों के लिए 300 रुपए की अतिरिक्त छूट का ऐलान कर दिया है, तो वहीं 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को लोन भी बांट रही है। मोदी सरकार की ओर से 3 अक्टूबर को शेयर किए गए डेटा के मुताबिक अब तक PM स्वनिधि स्कीम के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटे जा चुके हैं, जिसके तहत सरकार अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटर के दे रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दाव चल दिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण में वृद्धि कर दी गई है। यहां महिलाओं को अब 35% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर कानून बनाया।
ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा में संशोधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सितंबर 2017 में आखिरी बार इसमें इजाफा किया गया है। पहला कहा गया है कि सरकार इस महीने आय सीमा में संशोधन कर सकती है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आय सीमा को 8 लाख रुपए से बढ़ाने को लेकर अनुच्छुक है। सूत्रों ने कहा है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय में आय सीमा बढ़ाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में किसी एक यूजर के साथ चैटिंग शुरू करने के लिए उसका फोन नंबर होना जरूरी होता है, लेकिन जल्द ही यह अनिवार्यता खत्म होने वाली है। फोन नंबर के बजाय अब यूजर नेम की मदद से चैटिंग का विकल्प यूजर्स को दिया जाएगा। इंस्टाग्राम जैसे इस फीचर की मदद से यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी मिलेगी और पर्सनल नंबर नहीं शेयर करना होगा। मेटा की ओनरशिप वाले मैसेजिंग ऐप में नए बदलाव की जानकारी ब्लॉग साइट WA Beta Info की ओर से दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री रतन घोष के आवास पर छापेमारी की है। मध्यग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में यह छापेमारी की जा रही है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ममता के मंत्री के घर सहित कोलकाता में 13 स्थानों पर तलाशी ले रही है। आपको बता दें कि रतन घोष मध्यग्राम नगर पालिका के अध्यक्ष है। उनके खिलाफ सरकारी नौकरियों में अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को दिल्ली की जनता की जीत बताते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन से चला आया यह भ्रष्टाचार का खेल सिसोदिया से अब संजय सिंह तक पहुंच चुका है और वह दिन दूर नहीं जब केजरीवाल भी जेल के सलाखों में होंगे। भोजपुरी गायक अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी ने मीडिया से कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी उन्हीं के साथियों के अप्रूवर बनने के बाद हुई है। जांच में शामिल लोगों की जब आंखें खुलती है तो वह सबसे मुख्य आरोपी की पोल खोलते हैं और वही हाल इस केस में संजय सिंह के साथ हुआ है। लक्षद्वीप से एनसीपी के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैसल की लोकसभा सदस्यता पर रद्द हो गई है। एक आपराधिक मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा 3 अक्टूबर 2023 को मोहम्मद फैजल के खिलाफ फैसला सुनाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में उनकी सजा को निलंबित करने वाली उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे 2008 की विनाशकारी स्थिति दोहराई जा सकती है जब तेल कीमतें आसमान छू गई और मांग घटने पर गिर गई। पुरी ने ब्लूमबर्ग टीवी पर कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की मात्रा के साथ जहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी अतिरिक्त तरलता को खत्म करने में सक्षम नहीं है, आपके सामने ऐसी स्थिति होगी जब तेल की कीमतें 2018 के परिदृश्य को दोहराएंगी। हाल ही में दो युवा छात्राओं की हत्या के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के कथित इस्तेमाल पर विवाद के बीच मणिपुर मानवाधिकार आयोग ने इम्फाल पश्चिम जिले के पुलिस अधीक्षक को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है और पूछा है कि इम्फाल में रैलियां कर रहे छात्रों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आदेश किसने दिया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति उपलेंदु विकास साहा की अध्यक्षता वाले आयोग ने आयुक्त से यह भी बताने को कहा है कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक या उससे पहले घायल छात्र को कितने अंतरिम मुआवजा दिया जा सकता है। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी रीति रिवाजों के साथ हुए विवाह समारोह को ही कानून की नजर में वैध विवाह माना जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कानून की नजर में विवाह वैध नहीं माना जाएगा। हिंदू विवाह में वैधता स्थापित करने के लिए सप्तपदी जरूरी है। सप्तपदी मतलब पवित्र अग्नि के चारों तरफ घूमकर सात फेरे लेना। हाईकोर्ट ने मिर्जापुर की स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल में मौतों का सिलसिला जारी है। बीते 72 घंटे में 38 लोगों की जान गई है। गुरुवार को नांदेड़ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 21 साल की महिला और उसके नवजात शिशु की मौत पर नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ और छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी अस्पतालों में मौतों को गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी से प्रतिशोध की कार्रवाई वाले आचरण की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे अत्यधिक ईमानदार और निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि धन शोधन रोधी एजेंसी को अब से बिना किसी अपवाद के आरोपी को गिरफ्तारी को आधार लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। दूरगामी प्रभाव वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध को रोकने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाली एक प्रमुख जांच एजेंसी होने के बाद ईडी की हर कार्रवाई के पारदर्शी और निष्पक्ष होने की उम्मीद जताई जाती है। सिक्किम में झील फटने के बाद अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई है, जबकि 80 से अधिक लोग लापता बताए गए हैं। सिक्किम सरकार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मरने वालों में सभी नागरिक हैं। तिस्ता बांध में काम कर रहे करीब 14 मजदूर अभी भी सुरंगों में फंसे हैं। बाढ़ के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3,000 से अधिक पर्यटकों के फंसे होने की आशंका है। तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के कारण लहनोक झील का लगभग 65% बह गया है।
गुजरात की एक फार्मा कंपनी के कफ सिरप और एंटी एलर्जी सिरप में जहरीले रासायनिक तत्व मिले हैं। यह खुलासा एक सरकारी रिपोर्ट में हुआ है। गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन के आयुक्त एचजी कोशिया ने बताया कि बीते माह कंपनी की फैक्ट्री में निरीक्षण के दौरान दवाएं जहरीली पाई गई। उन्होंने कहा कि कंपनी अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के अनुपालन मानकों पर बुरी तरह विफल रही। वहीं पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं थी, एयर हैंडलिंग इकाई भी ठीक नहीं थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित में हमने इकाई को उत्पादन बंद करने का आदेश दिया। महिला तीरंदाजी टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गुरुवार को भारत को 19वां गोल्ड मेडल दिलाया। ज्योति सुरेखा विन्नम, आदिति स्वामी और परनीत कौर की महिला कंपाउंड टीम ने फाइनल में ताइवान को 230-228 से हराया। ओवरऑल यह गेम्स में भारत का 42वां मेडल था। कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ जो आतंकवादी अपराधी गठजोड़ की कड़ियां मिलकर रची थी, वो अब अंडरवर्ल्ड से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। दुनिया भर में फैले खालिस्तानी आतंकवादी अपराधी गठजोड़ की पटकथा की शुरुआत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के आपराधिक नेटवर्क के आधार पर शुरू की थी। अमेरिका के एक अधिकारी ने चीन से भारतीय न्यूज वेब पोर्टल को फंडिंग कर कहा कि उनके देश ने एक भारतीय समाचार पोर्टल के चीन से कथित संबंधों के बारे में खबरें देखी हैं। उनकी मामलों पर पूरी नजर है, लेकिन वह इन दावों की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर सकते। विदेश विभाग के उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने यह एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा कि हमने इस पोर्टल के चीन से संबंधों के बारे में खबरें देखी हैं, लेकिन हम उन दावों की सत्यता के बारे में अभी टिप्पणी नहीं कर सकते। बिहार लोक सेवा आयोग से 1,70,000 से अधिक नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पद देने से लेकर उनके विद्यालय आवंटन समेत हर जरूरी सूचना ऑनलाइन मिलेगी। यह ऑनलाइन सुविधा नव नियुक्त शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने NIC की मदद से सॉफ्टवेयर और पोर्टल तैयार किया है। इससे शिक्षा विभाग किसी भी शिक्षक का सेवा इतिहास कंप्यूटर के एक क्लिक पर हासिल कर लेगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद फहीम, मोहम्मद सकीर हुसैन, मोहम्मद नौशद आलम, नौशद अंसारी, अनवर करीम खान, धर्मेंद्र कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की साफ सफाई कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।